प्रेस द लॉर्ड एवरीवन, सभी को प्यार भरी जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर एक न्यू वीडियो के साथ। सो प्रियो, जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस वीडियो में उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे पास्टर की है, ऐसे प्रीचर की है, जो कि लोगों को चंगाई के नाम पर लात मार रहा है। वो लात मारकर चंगाई दे रहा है। आपने देखा होगा आज बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास तभी आते हैं जब उनकी लाइफ में कोई बड़ा चमत्कार हो जाता है। उन्हें प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं है, परंतु चमत्कार से ही प्यार है। तो ऐसे लोग जो हैं चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें चमत्कार चाहिए। जहाँ चमत्कार मिलेगा वहाँ पर वो भागना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे उन्हें लाभ होगा, जहाँ पे उन्हें ब्लेसिंग मिलेगी, वहाँ पे भागना शुरू कर देते हैं, बिना ये जाने हुए कि जो वो जिस प्रीचर की वो सुन रहे हैं, जिससे वो वचनों को सीख रहे हैं, वो उन्हें सही प्रीच कर रहा है या नहीं। तो हमें वचन क्या बताता है? परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम अंधकार में ना रहें, हम ज्योति में आ जाएं, हम लाइट में आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मेरी प्रजा नाश हो गई क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी थी। आज परमेश्वर ने हमें ज्ञान के लिए वचन दिया है। हमें बाइबल, पवित्र बाइबल हमारे हाथ में है, जिसे पढ़कर हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। सो प्रियो, इस वीडियो को उन भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करो जो कि अभी भी वचन की समझ में पक्के नहीं है, जिन्हें अभी भी चमत्कार से ही प्यार है, प्रभु यीशु मसीह से प्यार बिल्कुल भी नहीं है। सो प्रियो, मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ बाइबल वर्स शेयर करूंगी, जो कि आपको बताएंगे कि एक सही अगुवा, एक सही प्रचारक कैसा होना चाहिए। प्रियो, इस वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। सो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आप पहले इस वीडियो क्लिप को ज़रूर देख लें। तो प्रियो, आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से वो पादरी लोगों को ट्रीट कर रहा है, किस तरह से वो लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, लोगों को चंगाई के नाम पर वो लात मार रहा है। और ये सब जो हो रहा है ये बाइबल के खिलाफ है। और वो जो लोग हैं वो भी अपनी आँखों को बंद किए हुए हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन की पूरी नॉलेज नहीं है, परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं पता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक, वहाँ पर लिखा है मत्ती 7 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बताता है कि वो देखने में भेड़ के समान आपको लग सकते हैं, उनका पहरावा ऐसा हो सकता है कि वो भेड़ के समान आत्मिक लग सकते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पास्टर था, उसका पहरावा जो था वो एकदम आत्मिक लग सकता है, पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भेड़ के भेष में भेड़िए होते हैं, क्योंकि शैतान ने अपनी फौज जो है, सेना तैयार की हुई है, ताकि जो चुने हुए लोग हैं वो भी भरमाए जाएं। सो प्रियो, आज ज़रूरत है, आज मेरा अनुरोध है आप सभी से, परमेश्वर के वचन को समझें और उसे जानें, वचन को समझें, उसमें पक्के हों, तभी आप इन लोगों को आसानी से पहचान पाएंगे। आज बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि हम इन लोगों को कैसे पहचान पाएं, ये देखने में तो आत्मिक लगते हैं। तो चलिए हम वचन से सीखेंगे आज कि झूठे भविष्यवक्ता और ऐसे लोग जो रियलिटी में पास्टर नहीं हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक उसकी 7 की 15-20 आयत, तो वहाँ पर लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़
अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। तो अच्छा पेड़ जो है हमेशा ही अच्छा फल लाएगा और निकम्मा पेड़ बुरा फल लेके आएगा। अच्छा पेड़ बुरा फल कभी भी नहीं ला सकता और ना ही निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। और आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। यहाँ पर आग मतलब नरक। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लेकर आएगा वो आग में डाला जाएगा। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। सो प्रियो, अब हम जान सकते हैं कि कौन सा प्रचारक सच्चा है और कौन सा प्रचारक झूठा है, क्योंकि वचन कहता है तुम उनके फलों से जान लोगे, उनके कामों से, उनके व्यवहार से और उनके वचन सिखाने के तरीके से तुम जान लोगे कि वो प्रचारक सच्चा है या झूठा है। दूसरा, उसके आत्मा के फलों से, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है तो उसके फल भी उनके साथ ही आते हैं। और अगर कोई प्रचारक है तो उसके अंदर आत्मा के फल जरूर ही होंगे, तो वो ही सच्चा प्रचारक होगा। और जो झूठा प्रचारक होगा उसे परमेश्वर कहते हैं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो आग में डाला जाएगा, मीन्स वो नरक में डाला जाएगा जो अच्छा फल नहीं लेकर आएगा। परमेश्वर उनसे नफरत करते हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मोड़ कर सिखाते हैं, जो वचन को अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं जो कि असल मतलब नहीं होता। परमेश्वर की भेड़ों को जो भटका देते हैं, परमेश्वर कभी भी उन्हें पसंद नहीं करेंगे। तो वचन में इस प्रकार उनके लिए लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं सिर्फ वही प्रवेश करेगा जो मेरी भेड़ों को सही तरीके से चराएगा, सही तरीके से वचन को समझाएगा, वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। तो आगे लिखा है उन भविष्यवक्ताओं के लिए, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। तो उस समय बहुत से भविष्यवक्ता इस तरह से परमेश्वर से बोलेंगे। तब परमेश्वर उन्हें क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर चले जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों को क्या कह रहे हैं, उन लोगों की दशा क्या ही होगी जिन्हें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद ही कह देंगे कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर चले जाओ। सो प्रियो, जरूरत है आज परमेश्वर से बुद्धि और सामर्थ्य मांगने की, ताकि हम हर एक वचन को जो बाइबल में लिखा है सीख सकें, उसे समझ सकें, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से भविष्यवक्ता ऐसे ही उठ खड़े होंगे जिन्हें पहचानना बहुत ही जरूरी है। वो तभी पहचाना जाएगा जब परमेश्वर हमारे साथ होंगे, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होगा। सो प्रियो, आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा विश्वास है कि आप आज से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करेंगे, ना कि चमत्कार के पीछे भागना, क्योंकि परमेश्वर को जब आप दिल से मानेंगे तो चमत्कार भी आपकी लाइफ में जरूर होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।